कोका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर हत्याकांड में मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का धरना और भूख हड़ताल लगातार जारी तीसरे दिन भी रहा। परिषद के नेताओं ने कहा कि जब तक मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। कोहका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर हत्याकांड में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने तक विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को अपना पूरा समर्थन दिया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा, जो कि दुर्भाग्यजनक है। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कहा कि शहर में अपराधियों का बोलबाला है। स्मृति नगर क्षेत्र में भी देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मुख्य मार्गों और सड़क किनारे के होटलों में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने परिषद का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अभी तक किसी के कान में कोई जू नहीं रहेंगी है। कल पीड़ित परिवार के सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, आपने देखा। आज उनके घर जो रस्म रिवाज होते हैं अंतिम संस्कार के पश्चात वो आज हो रहे हैं। कल से पीड़ित परिवार के सभी लोग कार्यक्रम स्थल में यहाँ धरना स्थल में रहेंगे धरना देने के लिए। लेकिन शासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पहल, कोई पूछताछ कुछ भी नहीं। भूख हड़ताल तो निश्चित रूप से जारी रहेगी कि दो मांगे हैं, दोनों मांगे जब तक पूरी नहीं होती भूख हड़ताल जारी रहेगी। और कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल परिवार अपने तरफ से, अपने सदस्यों की तरफ से मिलकर आर्थिक सहायता उनकी करेगा उस परिवार की। और जब तक शासन से हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, उनके परिवार की आर्थिक मदद, मृतक की पत्नी को नौकरी और उनके बच्चों को शिक्षा की जो व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती, और कानून व्यवस्था की जो बात हम कर रहे हैं देर रात तक खुले होटल और जो अड्डे हैं, ये जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। मैंने ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो किंकर्तव्य विमूढ़ लोग हैं, जो हर काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, बहुत अच्छी चार पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी उन पर। रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडी गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, और कह दे शंकर से करे प्रणय तो फिर एक बार, और सारे भारत में हर हर बम बम का महाउच्चार। तो ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते या जैसे जिनकी रुचि ऐसे कामों में नहीं है, वो अपने घर पे बैठे रहें। जो लोग समाज सेवा के लिए तत्पर हैं, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं और इनके बल पर हम अपना काम कर लेंगे। हम निश्चिंत हैं, हम आश्वस्त हैं। क्रमिक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के अलावा बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। शहर की महिलाओं ने भी धरने को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।